नमस्कार साथियों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। हम बीए थर्ड सेमेस्टर की अगली जो कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई कविता जुई की कली। निराला जी का जन्म है सन 1911 ईस्वी में। यानी मूलतः ये रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के निवासी थी, लेकिन इनके पिता एक सिपाही थे पश्चिम बंगाल में। इसीलिए निराला जी का जो जन्म है सन 1911 में, जन्म 1911 ईस्वी में हुआ और पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक स्थान पर जन्म हुआ। तो 1911 में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के अंतर्गत महिषादल नामक स्थान पर 1911 में जन्म हुआ और मृत्यु इनकी, निराला जी की मृत्यु सन 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई। तो मृत्यु 1961 में इलाहाबाद में निराला की मृत्यु हुई। इनकी जो रचनाएं हैं, निराला को मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। हालांकि निराला बचपन से ही अपने परिवार के जो इनके परिवार में मृत्यु का जो क्रम है एक के बाद एक लगा हुआ था, तो इसीलिए निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को एक मुक्तक छंद का जो कैचुआ छंद या मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। सायावाद के ये महेश है, इन्हें सायावाद का, निराला को सायावाद का महेश भी कहा जाता है। सायावाद की क्या है, ये महेश है। इनकी जो रचनाएं हैं, हालांकि इनकी पत्नी का नाम मनोरा देवी था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, और पत्नी की मृत्यु के बाद एकमात्र पुत्री थी सरोज। तो सरोज की याद में उन्होंने एक शोक गीत भी लिखा है, सरोज स्मृति। तो इनकी जो रचनाएं हैं, अनामिका 1923 में लिखी गई अनामिका, और अनामिका के बाद परिमल को 1930 में लिखा गया था। कब लिखा गया? परिमल जो काव्य संग्रह है 1930 में लिखा गया। और जो जुई की कली जो कविता है इनकी, जुए की कली कविता 1916 में लिखी गई थी। ये निराला की पहली कविता है, यानी अधिकतर निराला की इस कविता को, यानी प्रकाशित करने से पहले अधिकतर कवियों ने इस कविता को प्रकाशित करने से मना कर दिया था, लेकिन अंत में ये इस जुए की कली कविता ने प्रसिद्धि पाई। 1916 में लिखी गई कविता ये परिमल काव्य संग्रह से संकलित है। जुए की कविता जो जुई की कली कविता है, ये निराला का एक काव्य संग्रह परिमल 1930 में लिखा गया, इसी काव्य संग्रह से संकलित है। तो निराला की रचनाओं में अनामिका, परिमल, नए पत्ते, बेला, अणिम्मा, कुकुरमुता, तुलसीदास भी एक लंबी कविता है, तुलसीदास, और गीत गुंज। तो इनकी काव्य रचनाओं में परिमल, अनामिका, नए पत्ते, बेला, गीत गुंज आदि इनकी रचनाएं हैं। जुई की कली कविता परिमल काव्य संग्रह से संकलित है। परिमल काव्य संग्रह में निराला ने लिखा, जिस तरह से मनुष्य की मुक्ति होती है
वैसे कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। अब जो एक जुई की कली कविता है, इसमें जुई की कली क्या है, जुई की कली एक नायिका बताई गई है। क्या है ये? एक नायिका है और इसमें नायक पवन को बताया गया है। पवन क्या है? पवन इस जुई की कली का नायक है। तो जुई की कली नायिका है और पवन क्या है? नायक है। यानी यहाँ पे एक जुई की कली के माध्यम से नायक और नायिका प्रकृति का चित्रण है, यानी इसमें मानवीय क्रिया करती हुई दिखाया गया है। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है, इस कविता में मानवीकरण अलंकार है। कविता विजन वन वल्लरी परब बेल लता सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जुई की कली दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी वीर विदुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मल्या नील। अब यहाँ पे विजन का जो अर्थ है वह निर्जन होता है, निर्जन कह सकते हैं आप, सुनसान कह सकते हैं। तो विजन वन वल्लरी, वल्लरी का मतलब है लता, पर बेल लता यानी वल्लरी पर, ऐसे विजन वन में यानी ऐसे सुनसान वन में यानी लता यानी बेल युक्त जो लता है, जो एक ही कली की बात हो रही है नायिका के रूप में, वह सोती है। अब जो वह जुई की कली जो लता है ऐसे सुनसान वन में निर्जन वन में वह एक बेल रूपी लता क्या है सोई हुई है और किसके भांति ऐसे लग रही है जैसे कोई स्वागवरी यानी सौभाग्यवती, स्वागवरी सौभाग्यवती। तो एक सौभाग्यवती विवाहिता की भांति वह दिखाई दे रही है जुई की कली की जो लता है वो एक निर्जन वन में सौभाग्यवती विवाहिता की भांति सोई हुई है। स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी, अब कैसे वह स्नेह से भरी हुई स्वप्न में लीन है, स्नेह से भरी हुई स्वप्न और मन मग्न है, अपने सपनों में मग्न है। अमल अमल यानी स्वच्छ स्वच्छ, तो ऐसे है वह मग्न और स्वच्छ कोमल तनु तरुणी। अब कैसे दिखाई दे रही है वह लता, एक जैसे स्वच्छ है स्वप्न में लीन है और अमल और कोमल तनु तरुणी, ऐसे कोमल लिए हुए मृदुलता लिए हुए तनु तरुणी, तरुणी यानी युवती, तो वह युवती की भांति उसका शरीर दिखाई दे रहा है। जुई की कली की लता निर्जन वन में सोई हुई है और ऐसे लग रहा है जैसे कोई युवती है वह कोमल शरीर वाली तरुणी तनु युवती, तनु यानी शरीर, शरीर के लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई शरीर, तो युवती का जैसे कोई कोमल शरीर हो। जुई की कली वह कौन है? युवती जुई की कली। तो यहाँ पे देखो यानी कि मानवीकरण हुआ है, यानी जुई की कली ऐसे लग रही है जैसे कोई नायिका कमल और कोमल कोमल तन शरीर की भांति, कोमल तन की भांति वह सोई हुई है। तो ऐसे तो कोई लता तो नहीं हो सकती, नायिका हो सकती है ऐसे लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? मानवीकरण है इस कविता में। अब वह जुई की कली कैसे दिख रही है? तो दृग, दृग का मतलब नेत्र, दृग बंद किए। अब वह लता को आंखें बंद करके नहीं सो सकते, लेकिन यहाँ पे एक मानवीकरण जो मानवीकरण अलंकार है जैसे वह लता मानव की क्रिया करते हुए दिखाई दे रही है। तो दृग यानी नेत्र आंख, दृग आंख, तो दृग बंद किए अपने नेत्र को बंद किए शिथिल यानी शिथिल शिथिल पत्रांक में, पत्रांक यानी पत्तों की गोद में, पत्रांक पत्तों की गोद में,
या पत्तों से ढकी हुई। शिथिल पत्रांक यानी पत्तों की गोद में पत्तों से ढकी हुई वासंती निशा थी। वासंती यानी वसंत, जो वासंती निशा यानी वसंत निशानी रात्रि, तो ऐसी वसंत ऋतु की जो रात है निशानी रात। वीर विदुर प्रिय संग छोड़, अब उसे जैसे अपने प्रियतम की याद आती है जूही की कली रूपी लता को, तो वह वीर विदुर प्रिया संग छोड़ यानी अपने प्रियतम की उसे याद आती है, तो प्रियतम को छोड़कर उसके संग यानी उसके साथ को छोड़कर किसी दूर देश में था पवन, कौन उसका जो प्रियतम है जूही की कली का, उसे स्मरण करती है। पत्रांग में वासंती निशा थी यानी वसंत, जो वसंत ऋतु की जो रात है ऐसी रात में वीरो विदुर प्रिया संग अपने प्रियतम जो उसका है वह उसे संग को छोड़कर किसी दूर देश में था पवन। अब पवन कौन है, जूही की कली का क्या है, नायक बताया गया, तो वह कहाँ है, किसी दूर देश में है। अब जिसे कहते मलयानील, वह कहाँ है, मलयानील नामक पर्वत जहाँ पे चंदन के वृक्षों की अधिकता होती है वहां पे पवन है जो जूही की कली का क्या है, प्रियतम है, नायक है। तो जैसे उसे स्मरण करती है जूही की कली रूपी लता, तो आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, तो जैसे उसके संग से बिछुड़ गई थी उसके साथ से, तो प्रियतम को अपने मिलन की जो बातें याद आती है, और आई याद चांदनी की धूली हुई आधी रात को, आई याद कांता की, कांता कौन है, या पे कांता जूही की कली है ना प्रियतम के लिए, प्रिया के लिए, तो आई याद कांता की कंपित कमनीय गात, और जैसे ही याद आई तो उसके जो देह थी गात यानी शरीर, जो शरीर था वह कैसे होने लगा, कंपित और कमनीय यानी सुंदर, कमनीय यानी सुंदर जो शरीर है वह कंपित होने लगा जैसे ही उसे अपने प्रियतम की याद आती है, किसको, जूही की कली को। फिर क्या, पवन उपवन, जैसे पवन को याद आई अपने प्रियतम के सुंदर गात के शरीर की, तो पवन ने क्या किया, पवन रूपी नायक ने क्या किया, उपवन बगीचा, सर तालाब, सरित नदी, गहन गन यानी सुनसान, गिरी यानी पर्वत, और कानन जंगल, गिरी पर्वत, तो ऐसे सुनसान पर्वत और कानून, तो जैसे ही याद आती है नायक को, नायिका की, तो वह बगीचे को पार करते हुए, उपवन को, सर तालाबों को पार करते हुए, सरित नदी और गहरी घने पर्वतों को पार करते हुए और कानन जंगल को पार करते हुए वो मलयानील पर्वत से आ रहे हैं, तो इतनी दूर सभी उपवन है, नदी है, बगीचे है और तालाब आदि को पार करते हुए वह अपने प्रीतम के पास पहुंचता है। कुंज लता और कुंजों को पार करके पहुंचा जा उसने की केली, केली ने जो क्रीडा की थी, तो वहां पे पहुंचा किसके पास, अपनी जूही की कली रूपी जो लता है उसके पास पहुंचा, और पहुंचा जा उसने की केली, केली ने क्रीडा, कली खेली साथ, अब उसके साथ जैसे क्रीडा की तो वह कली उसके साथ खेल उठी, जूही की कली ने दोनों का मिलन हुआ तो कली खिल गई। अब सोती थी, अब जैसे ही मलयानील पर्वत से पवन रूपी नायक है जो उपवन बगीचे आदि को पार करते हुए किसके पास पहुंचा, जूही की कली रूपी नायिका के पास, तो वो क्या कर रही थी, सोती थी, निर्जन वन में सोई हुई थी, पत्रांग की गोद में, पत्तों की गोद में, जाने कहो कैसे प्रिय आगमन हुआ। अब जाने क्या, जैसे ही प्रिय का आगमन हुआ तो नायक ने छुमे कपोल, कपोल यानी गाल, तो जैसे ही पवन रूपी नायक का उस जूही की कली रूपी नायिका के पास पहुंचा, तो पास में जाते ही उसने क्या किया, उसके गालों को चूम लिए। डोल उठी वलरी की लड़ी जैसे हिंडोल, अब जैसे ही गाल को उसने स्पर्श किया, उसके गाल को चूम लिए, तो वैसे ही वह डोल उठी, कौन, जूही की कली रूपी नायिका और वलरी, वलरी यानी लता, वलरी लता,
लता। तो वलरे की लड़ी, लड़ी यानी लता की जो ये लाइन है जो बेल की, जैसे हिंडोल, तो जैसे पवन रूपी नायक ने उसे स्पर्श किया तो वह ऐसे हिल उठी जैसे कोई हिंडोला झूला झूला रही हो। तो पवन चलने पर जो लता है वह हिलती है, तो ऐसे लग रहा है कि उस नायिका को जिसने कोई हिंडोल यानी उसके उसको कोई लता को झूला दे रहा है। इस पर भी जागी नहीं, तो जैसे पवन रूपी नायक ने उसके गालों को चूमते हुए जैसे उनकी उनको हिंडोल यानी उसको झुलाया, फिर भी वह नायिका नहीं जगी। तो चुक समा मांगी नहीं, तो जिससे पवन रूपी नायक ने क्या समझा कि भाई उसने उसके जगाने पर भी वो नायिका नहीं जगी, तो स्वयं का वो अपमान समझता है पवन कि नायिका मेरी जगाने के बाद भी नहीं जगी। तो फिर जागने के बाद भी चुक समा मांगी नहीं, किसने नहीं मांगी, उस जुई कली रूपी नायिका ने समा उससे नायक से मांगी नहीं। निंद्रालस वंकिम विशाल नेत्र मुंदे रही, उल्टी निंद्रा से भरी हुई, आलस्य रूपी निंद्रा से भरी हुई वंकिम, वंकिम कह सकते हो टेढ़ी, वंकिम टेढ़ी मेढ़ी, तो वंकिम वंकिम विशाल नेत्र मुंदे यदि अपने आंखों को बंद कर करके किवा, किवा का अर्थ होता है अथवा अथवा, वह मत वाली थी यौवन की मदिरा, मदिरा शराब। तो ऐसे लग रहा है जैसे उसने समान तो मांगी नहीं लेकिन मदिरा पिए कौन कहे। तो जैसे वह निंद्रा में से वंकिम विशाल नेत्र अपने नेत्र को नेत्रों को टेढ़ी करके आके मुंदते हुए उसे देखा, अथवा वह ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कोई मत वाली यौवन रूपी जो मदिरा पिए हुए, यौवन नायिका जैसे मदिरा पिए हुए वह कौन है, इस बाति वह जुई की गली दिखाई दे रही थी। निर्दय उस नायक ने निपट निटुराई की, अब निर्दय, अब नायक निर्दय था, तो ऐसे उसकी निपट और निठुराई यानी कठोरता को उसने समा कर दिया कि जौकों की जड़ियों से सुंदर सुकुमार दिए सारी जगजोड़ डाली, मसल दिए गोरे कपूल गोल, चौक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों और फेर, येर प्यारे को सेज पास नम्र मुखी हसी खिली खेल रंग प्यारे संग। तो जैसे ही निर्दय उस नायक ने निपट और निठुराई की बड़ी निष्ठुरता से कि जौकों के जड़िए से यानी हवा से उसने जौका दिया, उसे इंडोला दिया पवन रूपी नायक ने, देखिए सुंदर सुकुमार दे वाली दे यानी शरीर, तो वे अच्छे कोमल शरीर वाली दे, दे का अर्थ क्या होगा दे यानी शरीर, तो वह कोमल सुंदर शरीर वाली सारे जगजो डाली। तो जैसे पवन रूपी नायक ने उसे जगजो यानी झूला दिया, तो वह ऐसे लग रही है कि वह स्वयं है वह उस हवा में पवन रूपी नायक में वह जगजोरी गई, तो जगजोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गाल, पवन रूपी नायक ने उसके क्या कर दिए, मसल दिए गोरे कपोल यानी जो गोल जो गाल थे उनको, और चौक पड़ी युवती जैसे गालों को मसल दिया तो वह जुई की कली रूपी नायिका है एकदम से चौक पड़ी। चकित चित्तवन निज चारों और फेर, तो वह चकित हो गई और वह चित्त वन यानी उस वन में निज यानी अपनी निज अपनी अपने चारों ओर नेत्र को फेर कर हेर यानी देखना, हेर प्यारे को सेज पास जैसे उसने देखा, तो क्या देखा, जैसे आके खोली पवन ने झकझोरा उसको, तो वह चकित होकर आके खोल दी नायक ने नायिका ने, तो नायिका ने क्या देखा, हेर यानी देखा प्यारे को सेज पास, सेज यानी अपने सैया के पास में देखा, जहाँ पे जो की कली रूपी नायिका सुन रही थी, तो नम्र मुखी हसी, तो वह अपने शर्म से मस्तक को नीचे किए हुए मुख को नीचे करके वह हंस पड़ी और खिली खेल रंग प्यारे संग, तो अपने प्यारे प्रियतम के संग यानी पवन के संग वह क्रीड़ा करने लगी खेलने लगी। कविता जुई की कली पूरी हुई, जिसमें मानवीकरण किया गया है, पवन को एक नायक बताया है और जुई की कली को नायिका बताया है। नेक्स्ट
अगली क्लास में नई कविता के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।